हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन जीके बिट। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज अ वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको बहुत बार इस टर्म से मुलाकात हुई कि ओवरलैपिंग क्या होता है और एक्चुअल में हम लोग ओवरलैपिंग से क्या समझते हैं, तो उसको हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे कि ओवरलैपिंग होता क्या है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कि टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि किसी भी कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में दो थ्योरी प्रपोज किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो ओवरलैपिंग है इसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। तो इसके रिगार्डिंग दो थ्योरी प्रपोज की गई है, जिसको कि हम अभी देखते हैं क्या है। पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, एंड अनदर है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्या होता है, इसमें कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, या दूसरा जो हम लोग का मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कैसे काम करता है, और इसमें हम किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन इन डिटेल्स में देखेंगे। तो जो आपका इन जनरली थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया दे दूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इन जनरली दो एटम्स के आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। सपोज दैट एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ए के और बी के, वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेम ही होता है कि एक का ऑर्बिटल है और दूसरा कोई है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मींस इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, तो आपके अराउंड जो ऑक्सीजन के तक हैं, दैट मींस सेकेंड पीरियड के जितने भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वो जनरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करते हैं, कि उसके आगे जो सारा होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करता है। इसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंडन टू एक्सप्लेन हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इट वॉज एक्सटेंडेड बाय पॉली एंड स्लेटर। तो इसके रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, कि जो एक्सटेंडेड बाय पॉली एंड स्लेटर, कि सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ओवरलैपिंग के रिगार्डिंग जो सारे क्या क्या थ्योरीज थे या क्या क्या पॉइंट्स था, वो दिया गया था हिटलर एंड लंडन के द्वारा। बाद में पॉली ने उनके स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था, कि उसमें किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा या कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। दैट मीन्स जैसे अब हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है वो हम लोग का क्या है, 2s एंड 2p। तो इसको अगर हम लोग बनाए कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम लोग के 2s हो गए और ये क्या हो गया, 2p हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं हम लोग के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हम लोग के फ्रेंड्स, दो ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। जैसे अब कार्बन के हैं, तो किसी दूसरे के साथ जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है, अभी अगर पूछा जाएगा ग्राउंड स्टेट में, तो कार्बन का क्या होगा, दो ही ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड है, तो यही दोनों सिर्फ ओवरलैपिंग करेंगे, 2s ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो इसमें होता क्या है कि ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहां से निकल के यहां अनपेयर्ड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में होगा, तीन इलेक्ट्रॉन 2p में हो गए। तो इस तरह से टोटल चार ओवरलैपिंग फॉर्म करता है, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स समझ गए कि आउटर मोस्ट सेल में जो वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आगे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो वहां जाके पहले अनपेयर्ड होते हैं। जैसे अब कार्बन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और अब ये चारों ऑर्बिटल क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिजल्टिंग बॉन्ड ऑक्यूपाइज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन टू गेट अ स्टेबिलिटी। दैट मीन जैसे अब कार्बन का हम लोग एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, कि 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 2s में कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने हो गए, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा,
कि अब ये जैसे अब हाइड्रोजन ही है, तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, कार्बन का हम लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखेंगे, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s, 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा जो हाइड्रोजन आएगा फ्रेंड्स वो इस ऑर्बिटल के साथ, इस तरह से कितने हाइड्रोजन ओवरलैप कर सकते हैं एक कार्बन के साथ, 4 हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये चौथा जो हाइड्रोजन आएगा वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से यही बोला जाता है कि रिजल्टिंग बॉन्ड अक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, दैट मींस कि ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो ओवरलैपिंग के बाद वो उस डायरेक्शन से ओवरलैप करेंगे ताकि इसका भी क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस अगर ये बोले कि 1s और ये 2s मिलके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे रहेंगे, तो अगर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है, तो इधर से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स इस साइड कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बन गया, फिर दूसरे साइड ये कार्बन हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह से जो रिजल्टिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन हाइड्रोजन में बने हैं ये बॉन्ड, इसमें एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर्म अ डायरेक्शन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि पी के ही कैसे कैसे ऑर्बिटल, जैसे ये पी एक्स हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक पी एक्स हो गया, पी वाई और एक पी जेड का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इन तीनों में किसी के साथ भी ओवरलैपिंग करना, तो हाइड्रोजन जैसे ये कार्बन के 3p हैं, तो हाइड्रोजन उस साइड से आएंगे जिससे कि क्या हो जाए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाए। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर एक हाइड्रोजन इधर से आया है तो दूसरा जेड से आएगा और तीसरा क्या आएगा, वाई से आएगा। तो तीन अलग अलग डायरेक्शन से ओवरलैपिंग होंगे पी के। इसका क्या मतलब समझ में आया कि ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उस डायरेक्शन से क्लोज आएंगे जिधर के ऑर्बिटल, जैसे अब एक हाइड्रोजन यहाँ के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन जेड में ओवरलैपिंग कर लिया, तो तीसरा हाइड्रोजन किधर से आएगा, वाई में आएगा, ताकि उसको क्या पर मैक्सिमम स्पेस मिले ओवरलैपिंग के लिए। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए दूसरे एटम उस डायरेक्शन से आते हैं जिधर क्या हो, सफिशियंट स्पेस हो। दैट मीन्स सो कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल करेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डायरेक्शनल करेक्टर होगा। जैसे हम लोग कार्बन का ही देखते हैं, ठीक है, तो अगर क्या होंगे, हर बॉन्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड रहता है, हर बॉन्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, ये हम लोग का टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर में एक्चुअली रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तीसरा इस डायरेक्शन में है, चौथा इस डायरेक्शन, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम ये हम लोग का कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर रहता है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन से ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं या मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल है, उस डायरेक्शन से क्या होते हैं, आके बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उस डायरेक्शन से आके बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब दूसरा जो बॉन्ड यहां फॉर्म नहीं हो सकता, जिस डायरेक्शन में वो खाली जगह है उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इससे एक हम लोग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दैट मीन्स कितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उतना ही ज्यादा उस बॉन्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। दैट मीन्स जिसमें ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा, दो ऑर्बिटल जितना एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ये जिसमें मैक्सिमम रहेगा वो बॉन्ड क्या रहेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है। तो पूछा जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। रीजन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा दूसरे एटम उसी डायरेक्शन से क्लोज आते हैं, इसीलिए उसमें क्या रहता है कि हर एक एटम का पोजिशन फिक्स रहता है, कौन सा एटम किस डायरेक्शन से रहेगा। और दूसरा है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा उस केमिकल बॉन्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को डिसाइड करने के लिए टू इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये तो हम समझ गए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बताएगा, लेकिन अब ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, तो उसमें सबसे पहला होता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किस टाइप के ऑर्बिटल है। जैसे पी डी एंड एफ आर क्या होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मोर ओवरलैपिंग होता है। मान लेते हैं ये पी का है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये आएगा तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग, लेकिन अगर वही एस का ऑर्बिटल रहता दूसरे के एस से ओवरलैपिंग करता तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है। दैट मीन्स ये हम लोग का पी हो गया, पी ऑर्बिटल क्या होता है, ये डंबल शेप में होता है, ये एक डायरेक्शनल होता है। सिमिलरली डी का भी देखेंगे तो वो फिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये हम लोग का कोई एक्स होगा तो ये हमको फिक्स पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में ही ऑर्बिटल होंगे। अब जैसे डी ऑर्बिटल देखते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग,
डी एक्स वाई, तो ये कैसा होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरफ से डायरेक्शनल फिक्स होते हैं, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में रहेंगे, तो जो भी ओवरलैपिंग होगा वो डायरेक्शनल होगा, क्योंकि ये पता है कि एक्स वाई जो डी एक्स वाई है इसके ऑर्बिटल का डायरेक्शन फिक्स है। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल भी क्या होती है, ये सारे डायरेक्शनल होते हैं, और एस जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, पी एन डी एफ एफ डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, इसलिए इसमें क्या होता है, ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, मोर ओवरलैपिंग इन पॉसिबल इन पी डी एन एफ देन एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट मींस क्या बोलो कि डायरेक्शनल में एस ऑर्बिटल्स क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसमें क्या होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है, इसमें क्या होती है, लेस ओवरलैपिंग होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कि एक तो डायरेक्शनल कैरेक्टर, दैट मींस पीडीएफ में क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि पी का है, अब इसके साथ एस का ओवरलैपिंग होना है, तो ये एक्स के अलोंग है, तो जो नया एस आएगा वो भी क्या आएगा, एक्स के अलोंग से ही आएगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये एस है, अब इसमें किसी भी डायरेक्शन से आए, ये क्या रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे इसमें एस इधर से आ जाता तो हो सकता था ओवरलैपिंग क्या होता, कम होता, इसलिए एक्स के अलोंग से आता है, जिधर से ओवरलैपिंग मैक्सिमम पॉसिबल हो। लेकिन अगर ये एस का केस हम लोग ले लें, तो किसी डायरेक्शन से आएगा तो इक्वल ही ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि ये क्या, स्फेरिकल है, तो ज्यादा इसका स्पेस नहीं हो पाता है, ज्यादा अमाउंट में ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। अगर वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये पी का डायरेक्शन है, और दूसरा भी अगर पी या एस इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे पी पी का ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, ये पी एस का क्या हो गया, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, तो इसको अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग बोलते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स आपका कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक ऑर्बिटल इस टाइप से है तो ये साइड वाइज आएगा, जैसे इसका ये है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो ये हम लोग का पी एक्स हो गया और ये क्या हो गया, पी वाई हो गया। अब मान लेते हैं दूसरा ऑर्बिटल क्लोज कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है, तो यहां क्या होता है कि ये जो एक एक्सियल ओवरलैपिंग किया ये ऑर्बिटल, ये दोनों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में कुछ रह जाता है। तो इस और पी वाई, और ये जो पी वाई है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, और क्लोज आएंगे तो देख रहे हैं, जैसे क्लोज आता जाएगा ये दोनों का ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जैसे ही और क्लोज आएंगे इसका सेंटर भी क्लोज आता चला जाता है। तो इस तरह से जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पी वाई और पी वाई में, ये क्या होता है, इसका एक्सटेंट बहुत ही कम होता है, दैट मीन्स कोलेटरल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है, इसलिए जो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे बॉन्ड वो क्या होंगे, वीक होंगे, और जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे वो क्या होते हैं, उसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट मीन्स यहाँ जो पी एक्स पी एक्स में हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, लेकिन पी वाई और पी वाई में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये हम लोग का जो कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ से हम लोग का पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या होता है। तो ऑलरेडी भी फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि जो पाई बॉन्ड में जो कोलेटरल ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट क्या है, कम है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, कि अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ही होगा तो किस टाइप के ओवरलैपिंग का क्या स्ट्रेंथ होगा। तो जैसे हम लोग यहां देखते हैं कि ये हम लोग का पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, अगर ये कोएक्सियली ओवरलैपिंग किया, दैट मींस क्या है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग किया दोनों, इस ऑर्बिटल का भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, दैट मींस पी और पी का जो कोएक्सियल होता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब फिर देखते हैं कि P का है और ये S का है, P और S में जब होगा तो ऑलवेज क्या कहलाएगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही कहलाएगा, इसमें लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होता है, दैट मींस इसका एक्सटेंड क्या हो जाता है, पी पी से कम हो जाता है P और S का, और सबसे कम किसका हो जाता है, S और S का ओवरलैपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मींस सबसे ज्यादा पूछेगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में होगा, तो पी और पी में होगा, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल अगर कोएक्सियल ओवरलैप करेंगे तो उसका एक्सटेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर पी और एस का होगा, एंड देन सबसे कम किसका होगा, और एस और एस का होगा। ये तो फ्रेंड्स हम लोग का कोएक्सियल ओवरलैपिंग का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
और कोलेटरल ओवरलैपिंग में या तो फ्रेंड्स सिर्फ पी के ऑर्बिटल करते हैं या डी के ऑर्बिटल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एस का ऑर्बिटल कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग होगा जब भी होगा तो वो किसमें होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक लेटरल ओवरलैपिंग, तो ये जो दो लॉब ओवरलैप की ये हम लोग का लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है। तो ये सिर्फ पी और पी में लेटरल ओवरलैपिंग होता है या पी और डी ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो ये जैसे हम लोग का पी हो गया और दूसरा क्या होगा कि साथ ही साथ ये डी तो रहेगा ही और इसका एक क्या रहता है डी, डी में ये दो लॉब रहता है, तो यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो पी और डी का ओवरलैपिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये पी और पी का ओवरलैपिंग है। तो इस ऑर्बिटल के वजह से यहाँ स्ट्रेंथ इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए लेटरल ओवरलैपिंग में पी पी का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, देन किसका होता है पी एंड डी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कोएक्सियल और कोलेटरल में भी स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, अगर सबसे तो पहले कोएक्सियल का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, चाहे लेटरल किसी भी टाइप का हो वो क्या होगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग से वीकर रहेगा, दैट मीन्स ये सारे क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन यहां से जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा पाए बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप लोग फ्रेंड समझ गए होंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, देन लेटरल होता है, तो एक्सियल में भी सबसे ज्यादा पीपी का एक्सियल होता है, देन एसपी का होता है और तब एसएस का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोलेटरल में सबसे ज्यादा पीपी का होगा और देन क्या होगा पी एंड डी का होगा। रीजन क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल पी से स्लाइटली लार्जर भी होते हैं, दैट्स वाई इसका क्या होता है पीडी का ओवरलैपिंग क्या हो जाता है लेस हो जाता है। तो अगर इस इंटायरली में ऑर्डर में अरेंज करें तो पीपी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, देन एसपी, देन एसएस एंड देन पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग एंड देन पीडी कोलेटरल ओवरलैपिंग, ये ऑर्डर हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, अब डिपेंड करता है कि कौन सा है, जैसे कि अब 1s है या 2s है या 1 का p है 2 का p है, इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो अगर n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा घटता चला जाएगा। जैसे अगर 1 है और 1 है, दैट मीन्स क्या होगा 1 का s और 1 का s का ओवरलैपिंग होगा तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। देन क्या होगा अगर 1 का s और 2 का p ओवरलैप कर रहा है, या फिर हम लोग का क्या हो रहा है 2 का s 2 का s रहे या 2 का s और 2 का p रहे या 2 का p 2 का s, उसका स्ट्रेंथ आएगा। देन 2 3 एंड 3 एंड सो ऑन, जैसे इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब n का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इफ n इज सेम देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी फॉलोइंग, अगर n का वैल्यू सेम रहा तब क्या होगा, दैट मीन्स 2p में सबसे ज्यादा होगा, देन 2s 2p में होगा, देख रहे हैं सबका n का सेम है, एंड देन 2s 2s में, जो अभी हम तुम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि pp ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, देन sp होता है एंड देन क्या होता है ss होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए फ्रेंड्स, अगर इसमें से एक क्वेश्चन अराइज कर दिया जाए कि 2p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है और 3p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, तो यहां से हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे कि 3 का क्या होगा कम होगा देन 2 से, तो इस तरह से हम लोग क्या जानेंगे कि 2p में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा देन 3p में। तो इस तरह से किसी का भी ओवरलैपिंग हो हम लोग बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप के ओवरलैपिंग होंगे और उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। या अगर अब देख लेते हैं कि 1s और 2p है तो ये क्या होगा ज्यादा होगा देन 2s 2p से, अगर पूछा जाए कि sp का ज्यादा होता है, लेकिन जैसे अब हम लोग देखिए pp में ज्यादा होता है या ss में सबसे कम होता है, अब sp हो रहा है तो उसमें किसका ज्यादा होगा, अगर एक का s और दूसरे का p है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन होगा 2s और 2p से एंड देन 3s एंड 3p से। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल जब n का वैल्यू कम होता है, जो हम लोग ये सबसे जी पॉइंट में देखें कि n का वैल्यू जितना कम रहेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और n का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो आई होप यू फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो होता है कि इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल, जैसे हम लोग कार्बन में देखे थे कि 2s के इलेक्ट्रॉन क्या थे पेयर्ड थे, 2s के इलेक्ट्रॉन क्या थे पेयर्ड थे, और 2p में दो ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। तो क्या बोले द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड, जैसे ये s का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है इन वैलेंस शेल कैन इंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में तभी पार्टिसिपेट कर सकता है, दे इट कैन अनपेयर्ड फर्स्ट, दैट मीन्स इसको यहां से निकल के पहले अनपेयर्ड होना पड़ेगा, एंड शिफ्ट टू द वैकेंट और पाइलेटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द सेम एनर्जी सेल, ये नहीं कि 2s से ये 3s में चला जाएगा 3p में, 2s से है तो 2s 2p के ही, दैट मीन्स 2 सेल के ही किसी न किसी ऑर्बिटल में जाएगा,
और ये क्या होगा, स्लाइटली हायर एनर्जी में चला जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकल के पहले किस में जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, देन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एल्स ये अगर पेयर्ड रहेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन, जैसे हम लोग बोरॉन का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s1 एंड 2s2 एंड 2p1, दैट मींस p में एक इलेक्ट्रॉन और s में दो है, दैट मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और p में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस बोरॉन का वैलेंसी 1 होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक किस में चला जाता है, p में चला जाता है। इस तरह से p में दो अनपेयर्ड हो गए और s में एक अनपेयर्ड हो गया, तो ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो कैसे होता है, हायर एनर्जी में चला जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या होता है, आउटर मोस्ट का कॉन्फिगरेशन 3s2 एंड 3p3, लेकिन ये जानते हैं फ्रेंड्स, इसका जो इसमें 3d भी होता है, और 3d क्या होता है, पूरा खाली होता है। तो p में तीन इलेक्ट्रॉन है, s में दो है, दैट मीन्स ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s का इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, d में। तो इसको अगर हम लोग यहां बनाए तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s में दो, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रेंड्स, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद जो 3 का d रहता है फ्रेंड्स, वो क्या रहता है, कंप्लीटली खाली रहता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, यहां चला जाता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 3s में एक हो गए, 3p में कितने हो गए, तीन हो गए, 3s में कितने हो गए, 1 हो गए, और 3d में कितने हो गए, 1 हो गए। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो यही हम लोग का क्या हो गया, पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। तो ये सारा जो है ना पूछा जाता है एक वैलेंस बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होते हैं, देन ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग बोला जाता है कि ट्राइवेलेंसी या टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन या पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस कैसे होता है। तो बिफोर ओवरलैपिंग ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाके अनपेयर्ड होते हैं, और ये फिर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म होते हैं इन जनरली ओवरलैपिंग से। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया भी था कि सिग्मा बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा उससे क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और लेटरल जो ओवरलैपिंग होता है उससे क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसिक्वेंट वीडियो में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को इन डिटेल्स में देखेंगे, किस टाइप से कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो किस टाइप के सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, उसके स्ट्रेंथ क्या होंगे, फिर जो पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा और उसके स्ट्रेंथ क्या होंगे। तो आई होप यू फ्रेंड्स कि ओवरलैपिंग के कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, उसके स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्लियर हुए होंगे कि किस ऑर्बिटल का कैसा ओवरलैपिंग होगा, या लेटरल या कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। तो थैंक यू, अगर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलिए जीके बीट को। थैंक यू फ्रेंड्स।